मेरी तरफ से तो की टीवी देखने और सुनने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपको ले जाने वाले हैं एक ऐसे मुल्क की सैर पर जहां लोग डांस करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। ये एक ऐसा मुल्क है जहां पांच रंगों का दरिया बहता है, इसे लिक्विड रैम्बो भी कहते हैं। दुनिया के सबसे बड़े ड्रग डीलर पाब्लो एस्कोबार का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। इसका क्या अंजाम हुआ? यहाँ लोग गोरा चिट्टा रंग पसंद नहीं करते बल्कि गंदमी कलर के दीवाने हैं। यहाँ सब्ज कीमती जमुर्द भी पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ पिंक डॉल्फिन्स के मुल्क कोलंबिया की, जहाँ कातिल शहर से लेकर एल्डोराड का कदीम शहर भी मौजूद है, जिसका बादशाह सोने का पाउडर लगाता, सोने की कश्ती में बैठता और पानी में निकल जाता। ये ऐसा क्यों करता था, आज हम आपको बताएंगे कोलंबिया के बारे में वो दिलचस्प और हैरान कन हकायक जो आज से पहले यकीनी तौर पर आप नहीं जानते होंगे। दोस्तों, कोलंबिया जिसे सरकारी तौर पर जमहूरिया कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, जनूबी अमरीका में वाकया एक खूबसूरत मुल्क है। इसकी सरहदें शमाल में बहरे कैरेबियन, शमाल मगरब में पनामा, जनूब में एक्वाडोर और पेरू, मशरिक में वेंजुएला, जनूब मगरब में ब्राजील और मगरब में बहरुल काहल से मिलती हैं। इस मुल्क का सबसे बड़ा शहर और दारुल हुकूमत बोगोटा सिटी है, जिसका कुल रकबा 1775 मरबा किलोमीटर है। यहाँ 2018 में 7 मिलियन के करीब अफराद आबाद हैं, जिनका अंदाजा 2021 में 11 मिलियन लगाया गया था। दोस्तों, ये मुल्क काफी वर्षा अमर इंडियंस की मुख्तलिफ तहजीबों, यूरोपीय आबादी, अफ्रीकी मजदूरों, यूरोप और मशरक वस्ता से नकल मकानी के असरात की काशी जाहिर करता है। यह मुल्क स्कूबा डाइविंग सीखने वालों के लिए एक सस्ता तरीन मकाम है। यहाँ खूबसूरत पानी के साथ साथ दिलकश मकामात भी मौजूद हैं। दोस्तों, यहाँ पर मौजूद मेडलियन सिटी को 1991 में दुनिया का कातल शहर करार दिया गया था, जिसकी वजह यहाँ हर रोज 17 हलाकतों का होना था। लेकिन 2013 में शहर को दुनिया के सबसे जदीद तरीन शहरों की लिस्ट में नामजद किया गया, जिसकी वजह यहाँ पर मौजूद तख्लीकी नजरियात और शहरी जिंदगी थी। दोस्तों, इस मुल्क को मकामी जबान में कोलंबिया रिपब्लिका कहा जाता है और ये नाम बरियाजम अमेरिका को दरियाफ्त करने वाले क्रिस्टोफर कोलंबस के नाम से लिया गया, जबकि इसके आखिर में इया लातिनी जबान की निशानदेही करता है, क्योंकि इया लातिनी जबान में हर चीज के आखिर में लगाया जाता है। दोस्तों, माहिरीन असारे कदीमा का अंदाजा है कि इंसान तकरीबन 20,000 साल पहले कोलंबिया में आ पहुंचा और यहाँ पर आबाद होना शुरू किया। यहाँ एज फैक्टर को बहुत ज्यादा अहम माना जाता है। यहाँ जिसकी जितनी उम्र होती है उतनी ही ज्यादा उसकी कदर होती है। ये लोग बुजुर्गों का एहतराम करना फख्र मानते हैं। दोस्तों, कोलंबियन लड़कियां अपनी कमर पतली करने के लिए फिक्रमंद रहती हैं। इसके लिए वो हर काम करती हैं जिससे वो स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत नजर आ सकें। दोस्तों, यहां बच्चों को काफी मिल्क शेक भी पिलाया जाता है ताकि वो गंदमी रंग के हो सकें। यहाँ गोरा चिट्टा रंग पसंद नहीं किया जाता बल्कि लोग गंदमी रंग के दीवाने हैं। ये मुल्क दुनिया में 12% काफी की पैदावार के लिए जाना जाता है। दोस्तों, ड्रग्स की दुनिया के बेताज बादशाह पाब्लो एस्कोबार का ताल्लुक भी इसी मुल्क से था। इसने अपनी जिंदगी के आखिरी आयाम में 420 मिलियन डॉलर्स की आमदनी वसूल की, जो कि दुनिया की 500 आला कंपनियों के सीईओज की महाना तनख्वाह से ज्यादा थी। इसने कोलंबिया के कौमी कर्जे को माफ करवाने के लिए 10 बिलियन डॉलर्स की पेशकश की, मगर कोलंबियन हुकूमत ने मना कर दिया। इसके बाद इसका अंजाम बहुत बुरा हुआ। इसका बेटा इसके बाद मोटिवेशनल स्पीकर बन गया और लोगों को अपने वालिद की कहानियां सुनाता और मोटिवेट करता कि जुर्म की दुनिया से दूर रहो और अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह जियो कि दुनिया आपको याद रखे। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट का 10% हिस्सा कोलंबिया में वाकया है। ये ब्राजील के बाद दुनिया का दूसरा बायोडाइवर्स मुल्क है। यहाँ रेडियो और टेलीविजन पर हर रोज सुबह 6 और शाम 6 बजे कौमी तराना बजाया जाता है। दोस्तों, यह मुल्क जमुर्द का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो कि एक नयाब पत्थर होता है। ये यहाँ पर सब्ज कलर में पाया जाता है। इस मुल्क में 150 से ज्यादा बारूदी सुरंगें पाई जाती हैं, जहाँ से ये नयाब पत्थर दरियाफ्त होता है। यहाँ मौजूद कैनो क्रिस्टल्स पांच रंगों का दरिया है। इसे कोलंबिया में वाकया माया रेनो नदी के नाम से जाना जाता है। इस दरिया के हेड में पीले, सब्ज, नीले, स्याह और खास तौर पर सुर्ख रंग को देखा जा सकता है। यही वजह है कि इसको जमीन पर मौजूद लिक्विड रैम्बो के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, कोलंबिया में गुलाबी डॉल्फिन्स पाई जाती है,
जो देखने में इंतहाई खूबसूरत होती है। यहाँ खास तौर पर बच्चे इन्हें देखना पसंद करते हैं। दोस्तों, कोलंबियंस डांस को बेहद पसंद करते हैं। इनका एक असूल है, जहाँ भी म्यूजिक सुनाई दे नाचना शुरू कर दो। ये मशहूर सिंगर शकीरा और जोंस का मुल्क है, जिन्होंने डांस की दुनिया में इस मुल्क को प्रेजेंट किया। दोस्तों, यहाँ 80 मीटर लंबे वैक्स पाम के दरख्त पाए जाते हैं, जो कि 263 फीट बनते हैं। इस मुल्क के 54% से ज्यादा रकबे पर जंगलात मौजूद हैं और करीब 38% हिस्से पर ज़रात काबिज है। दोस्तों, तीजो इस मुल्क का एक आबाई और कौमी खेल है, जिसे खेलते वक्त अक्सर अफराद नशे में होते हैं और इस खेल के दौरान बियर पीना आम है। इसके अलावा यहाँ मशहूर तरीन खेल फुटबॉल है, जबकि यहाँ साइकिलिंग, मार्शल आर्ट्स, बॉक्सिंग, रोलर स्केटिंग और कार रेसिंग भी मशहूर हैं। दोस्तों, कोलंबिया की मशीयत ज्यादातर मैन्युफैक्चरिंग और ज़रई बरामदात पर इनसार करती है, जिनमें केले, कटे हुए फूल, चीनी और काफी शामिल है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में टेक्सटाइल, केमिकल, गारमेंट्स और धातु की मसनूआत शामिल हैं। दोस्तों, यहाँ बतौर तोहफा फूल देने से पहले इस बात का ख्याल लाजमी रखिएगा कि ये फूल लिली का ना हो और इसके साथ कहीं आप घास ना ले जाएं, क्योंकि यहाँ लिली और घास तदवीन के मौके पर दिए जाते हैं। यहाँ अब अरेंज मैरिजेस आम नहीं रहीं, यहाँ मर्द और औरत दोनों आज़ाद हैं, जिससे मर्जी शादी कर लें। दोस्तों, यहाँ एक हैरत अंगेज बात यह भी है कि इस मुल्क में रात के वक्त सूर्य देखा गया है, जो कि निज़ाम कुदरत का एक अजीब करिश्मा है। दोस्तों, ये एक ऐसा मुल्क है जहाँ ऑफिस में लड़कों की जगह लड़कियाँ सबसे ज्यादा बॉस होती हैं। दोस्तों, तारीख में कोलंबिया स्पेन के मातहत एक नौबादियाती इलाका रहा है और इस मुल्क ने स्पेन से आज़ादी 20 जुलाई 1810 को हासिल की, जबकि मुकम्मल आज़ादी 7 अगस्त 1819 में इस मुल्क को नसीब हुई। दोस्तों, यहाँ एल्डोराड बच्चों के खेलने का एक पार्क है, जो कि एक कदीम शहर हुआ करता था, जिसका बादशाह खुद पर गोल्ड का पाउडर लगाता, खुद गोल्ड की कश्ती में सवार होता और पानी में निकल जाता। इसका मानना था कि ऐसा करने से पानी का देवता खुश होता है। इस मुल्क के कुदरती वसायल में पेट्रोल, कुदरती गैस, कोयला, आयरन, निकल, सोना, तांबा, जमुर्द और हाइड्रोपावर शामिल है। दोस्तों, यहाँ 2,15,000 किलोमीटर सड़क का नेटवर्क मौजूद है। इस मुल्क में 168 एयरपोर्ट मौजूद हैं। यहाँ इंटरनेशनल और नेशनल सतह पर परवाजें उड़ाई जाती हैं। दोस्तों, कोलंबिया दुनिया में सबसे ज्यादा फलों के रस को इस्तेमाल करने वाला मुल्क है। दोस्तों, इस मुल्क में दूध का एक सूप भी बनाया जाता है। यहाँ मुख्तलिफ इकसाम के मकामी सूप खानों का एक हिस्सा होते हैं, जिनमें से एक चेंगुआ नाश्ते का सूप है, जो दूध और कच्चे अंडों के साथ तैयार किया जाता है। इसमें पानी और आलू का इस्तेमाल भी किया जाता है। ये यहाँ वह डिश है जो एक मिनट में तैयार की जाती है। यहाँ लिटरेसी रेट 95.01% है, यानी कि मुल्क में तालीम की शरह काफी ज्यादा है। इस मुल्क का टोटल एरिया 11,38,910 मुरबा किलोमीटर है, जबकि यहाँ की टोटल पॉपुलेशन 50.34 मिलियन है, जो कि 2019 में रिकॉर्ड की गई थी, और यहाँ पर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 0.93% है। इस मुल्क की करेंसी पैसो है और एक पैसो पाकिस्तानी 0.041 रुपयों के बराबर है। दोस्तों, यहाँ पर रिलीजन कैथोलिज्म है, यानी कि सैयद के मानने वाले लोग इस मुल्क में आबाद हैं। यहाँ औसतन जिंदगी 76.6 साल है। यहाँ हाइएस्ट पॉइंट सतह समुन्द्र से 5,730 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है, जिसे पीको क्रिस्टोबाल कलोन कहा जाता है। यहाँ पर लोएस्ट पॉइंट पैसिफिक ओशन में 0 मीटर की बुलंदी पर वाक़ है। दोस्तों, इस मुल्क की टोटल एक्सपोर्ट 39.48 बिलियन है, जो कि 2017 में रिकॉर्ड की गई थी, जबकि इस मुल्क की टोटल इम्पोर्ट 44.24 बिलियन है। इस मुल्क का कॉलिंग कोड +57 है, जबकि यहाँ ड्राइव राइट साइड है। यहाँ टाइम जोन COT और UTC -5 है, जबकि इंटरनेट TLD और डोमेन नेम .co है। दोस्तों, इस मुल्क की टोटल GDP 2019 में लगाए गए एक अंदाजे के मुताबिक $323.6 बिलियन है, जो कि पर कैपिटा के लिहाज से $14,400 बनते हैं। दोस्तों, इस मुल्क का झंडा पीले, नीले और सुर्ख रंग पर मुश्तमिल है, जबकि इसी से मिलता जुलता झंडा वेंजुएला का भी है। तो दोस्तों, आज तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त आज की इस मालूमती वीडियो से लुत्फानंदोज हुए होंगे। वीडियो पसंद आने की सूरत में हमारे चैनल तौकीद TV को सब्सक्राइब करते हुए साथ आ रहे बेल के आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि ऐसी ही मालूमती और दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नेज हमारी वीडियोस को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और मालूमती वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगेबान।